खारघर वुमन सोशल असोसिएशनच्या माध्यमातून खारघर फेस्ट 2022 या उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उत्सवाला पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी रविवारी भेट दिली, तसेच या उपक्रमाचे कौतुक केले. खारघर सेक्टर 4 मधील आदित्य स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या मैदानात खारघर वुमन असोसिएशनच्या वतीने खारघर फेस्ट 2022 या उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. खारघर परिसरातील विविध गृहनिर्माण सोसायटीमधील नागरिक तसेच मुलांच्या प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्याकरिता या उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे या उत्सवामध्ये खारघर परिसरातील विविध महिला उद्योजकांच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याकरिता व व्यवसायाकरिता स्टॉल लावण्यात आले आहेत. या उत्सवाला रविवारी पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी भेट दिली, तसेच खारघर वुमन सोशल असोसिएशनच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले. यावेळी पनवेल महानगरपालिकेच्या माजी महिला बालकल्याण समिती सभापती हर्षदा अमर उपाध्याय, युवा नेते अमर उपाध्याय, मधुमिता जना, श्यामला सुरेश, रोजी जॉर्ज, आरती शर्मा, भावना गुप्ता, सीमा सिसोदिया यांच्यासह इतर असोसिएशनचे सदस्य व इतर मान्यवर उपस्थित होते. कि उन्होंने इतना बेहतरीन ऐसा यहाँ पे कार्यक्रम रखा हुआ है. महिलाओं के हक के बारे में बात करना या फिर महिलाओं के हक के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ मैसेज डालना, ये एक बात होती है, और सच में उसके लिए यहाँ पे मैदान में आके उनके लिए कुछ अच्छा चीज़ करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और उसमें अगर आप महिलाओं को उनके वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स इनको अगर आप यहाँ पे उनका सबलीकरण करते हैं, उनको सक्षम करते हैं, तो ज़रूर उसका फायदा सारे समाज को हो सकता है और उनके घर में भी एक अच्छा ऐसा मैसेज जा सकता है. आज हमें पता है कि जॉब्स यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं, और अगर हम जॉब के लिए ढूंढने से तो अच्छा है कि यहाँ पे हम खुद जॉब अगर क्रिएट करें तो कितना बेहतर होगा. और वो भी अगर कोई महिला उद्योजिका अगर यहाँ पर तैयार होती है तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ हमारे सोसाइटी के लिए हो सकती है. इसके लिए मैं आप सभी का यहाँ पे मैं अभिनंदन करता हूँ. बहुत अच्छी चीज़ आपने की हुई है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपको आगे के टाइम में भी ऐसे कार्यक्रम, अच्छे अच्छे कार्यक्रम रखने के लिए आपको जिस सहायता की ज़रूरत हो हम हमेशा करने के लिए तैयार रहेंगे, इतना मैं आपको कहूँगा. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.